आपको इसलिए बुलाया है कि ये मसलक पर इस्तेकामत नहीं है कि आज आप यहां भी बैठे हैं और कल इन्हीं मकासिद की नफी करने के लिए दूसरी मजलिस हो तो वहां भी बैठ जाएं। लिहाजा अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि आपको दो टोक मौकिफ इख्तियार करना होगा और इख्तियार करना चाहिए ताकि किसी को कोई गलत फहमी बाकी न रहे। इसी तरह से मैं ये बताता हूं कि दीन का मदार अकल पर नहीं है, दीन का मदार नकल पर है। अगर नाम से पहले भी शाह हो, नाम से बाद भी शाह हो, कोई डबल शाह हो, तो जब तक शरीयत के मेयार पर पूरा नहीं होता हमारा मुक्तदा नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए और किसी को ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं है। अहले बैत अतहार का हमसे बड़ा कोई मोतकिद नहीं है। सय्यदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की हुर्मतों का तहफ्फुज करने वाला हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अब ये जो फितना शुरू हुआ है सहाबा किराम को टारगेट करने का, इसके पीछे बहुत बड़ा फितना है। मजीद ये कहना चाहता हूं कि 2000 से पहले हमने फखरु सादात, सैयदु सादात, इमामु सादात ये अलकाब नहीं सुने थे। हमारे अकाबर में से जो सादात किराम थे वो इल्म की ताकत पर खड़े थे। कोई मुझे बताए कि हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद कादमी रहमहुल्लाह ताला को सैयदुस सादात, फखरुस सादात, इमामुस सादात कहा गया है? वो अपने इल्म की ताकत से खड़े थे और गजालिये जमा और राजिये दौरा कहा जाता था। अब जिनका दामन खाली हो गया तो अब वो इन अलकाब में पनाह लेने के लिए आ गए हैं। फिर जब हम सहाबा की फजीलत बयान करते हैं तो क्या हजरत अली सहाबी नहीं थे? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा सहाबिया नहीं थी? क्या हजरत हसनैन करीमैन सहाबी नहीं थे? तो जब हम सहाबा की फजीलत बयान करेंगे तो इस फजीलत के अहक वो भी हैं और नस्बत सियादत वे उनका शरफ जायद है। तो ये जो फितना बर्पा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि ये इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये झूठ है, ये बोहतान है, ये इल्जाम है, ये कतई तौर पर ये गलत है। फिर जो फितना बर्पा किया गया, मैं तो ये 21वीं सदी शुरू हुई तो आपको मुतवज्जे करता था कि ये नाथवानों की क्लास, आर्टिस्ट क्लास, इसको आप कंट्रोल करें, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा नशा तारी था। लेकिन अब आपने देखा कि वो ट्रायका है, एक जाहिल पीर है, एक उसकी खिदमत करने वाला वाइज है और एक नाथवां है और बस मार्केट लगी हुई है। तो इसलिए अगर नाम से पहले भी शाह हो, नाम से बाद भी शाह हो, कोई डबल शाह हो, तो जब तक शरीयत के मेयार पर पूरा नहीं होता हमारा मुक्तदा नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए और किसी को ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं है। अहले बैत अतहार का हमसे बड़ा कोई मोतकिद नहीं है। सय्यदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की हुर्मतों का तहफ्फुज करने वाला हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। इसलिए आप सब हज़रात को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। ऐसा तासुर इस अशरे में पैदा किया गया, दो अशरों में, कि जैसे शरीयत सब पर हाकिम है, सादात पर हाकिम नहीं है। अरे भाई, ये इस्तिस्ना कहाँ से आया? ये इस्तिस्ना किसने दिया? तो सब के लिए एक मेयार है और कड़ा मेयार है, और इस बात को भी इमाम अहले सुन्नत ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया। इसलिए आपको अपने अकायदे हक्का पर यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए,
आपको मुतजलजिल नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि अहले सुन्नत की जो स्ट्रेंथ है वो आप हज़रात हैं। हमने तारीख की बड़ी रैली निकाली तो आपकी मदद से निकाली, और ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इज्तिमा है, लेकिन हो सकता है कि आगे कोई ऐसा मरहला आए कि बहुत बड़े इज्तिमा की, उलमा की, अइम्मा की, खुतबा की, मुदर्रिसीन की हमको जरूरत हो तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और आप खुद भी आएंगे और अपने इलाके से सबको लेकर आएंगे। इसलिए आपका की तरफ से ये दो टोक और वाजे पैगाम देना चाहिए कि मसलके हक अहले सुन्ना वल जमा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई मुफाहमत नहीं होगी, और किसी मसलहत से काम नहीं लिया जाएगा। हम दो टोक अपने मसलक पर कायम हैं और कायम रहेंगे। और हम अगर कोई पीर है, सैयद है और आलिम है और आमिल भी सुन्ना है तो हमारे सर का ताज है, हम उसका एहतराम करेंगे, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन सैयद है, बदअमल है, बद मजहब है तो फिर एहतराम का हकदार नहीं हो सकता। इसलिए आप हजरात अपने जहन को क्लियर करें, क्लियर रखें, और आप हजरात इस बात के लिए तैयार रहें कि मसलके हक की हिमायत के लिए, ताईद के लिए हमें जहां भी बुलाया गया हम आएंगे, जहां खड़ा होना पड़ा वहां खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया को तबाना पैगाम देंगे कि हम अहले सुन्ना वल जमा ही हैं कि जो नामूस रिसालत के भी मुहाफिज हैं, नामूस अहले बैत अतहार के भी मुहाफिज हैं, नामूस उम्महातुल मोमिनीन के भी मुहाफिज हैं, नामूस सहाबाए किराम के भी मुहाफिज हैं, नामूस कुरान के भी मुहाफिज हैं, और नामूस मुकद्दसात दीन के भी मुहाफिज हैं। इसलिए दूसरा एक आखिरी बात, एक फितना ये बरपा हुआ कि किसी एक सहाबी की तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता जब तक दूसरे की तनकीस न करें। इस फितने की जड़ को भी समझने की जरूरत है। ये तकाबुल करने के लिए आपको किसने बताया, आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि आप अदालत लगाएं और सहाबा किराम की दर्जाबंदी करें। लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। हम अपने अकायद पर कायम हैं, कायम थे, और इंशाअल्लाह ताला कायम रहे।